गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना पिछला जो टॉपिक चल रहा था वो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन विश्व जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे। विश्व जनसंख्या का वितरण यानी कि जनसंख्या का जो वितरण है वो हर क्षेत्र, हर देश के अंदर, विश्व के अंदर आपके सातों महाद्वीप आ जाते हैं। महाद्वीप और महासागर, विश्व का नाम जहाँ पे आ जाता है तो आपके महासागर और महाद्वीप सारे इसी के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो पूरे ग्लोब की अगर बात करते हैं, संपूर्ण ग्लोब की, तो लगभग आपका क्या है, 20, लगभग कहा जाता है कि 80% जनसंख्या है वो आपके क्या है, 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य ही पाई जाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका जो उत्तरी गोलार्ध है, दो गोलार्ध हैं विश्व के अंदर, ग्लोब की अगर चर्चा करते हैं तो ग्लोब है वो दो रूपों के अंदर बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इस तरीके से बीचों बीच जब आपकी ये रेखा निकलती है, इसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये इसका नाम है। तो भूमध्य रेखा है वो आपको क्या है, विश्व को दो भागों में डिवाइड कर रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध है वो आपका शुरू होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ये आपकी जो रेखाएं बनती है वो आपकी अक्षांश है। ऐसे ही इधर की साइड, नीचे की साइड में अगर बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो 0 से लेकर 90 डिग्री जो अक्षांशों पर आता है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो विश्व की जनसंख्या के वितरण की अगर चर्चा करते हैं तो वहां पे अगर देखा जाए तो विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का 90% भाग है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर निवास करता है और शेष भाग है वो आपका कौन से भाग के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है स्थलीय वितरण और तथा भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक है, ये क्या है, इसको प्रभावित करते हैं। यानी कि देखो, उत्तरी गोलार्ध के लिए कहा जाता है कि 90% जनसंख्या है, 90% जनसंख्या वो कौन से गोलार्ध में रहती है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। जो बचती है 10% वो आपके कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों, पहला रीजन यहाँ पे क्या है आपका, सबसे ज्यादा तो कहा जाता है कि स्थलीय भाग है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, जलीय भाग है। दोनों में अंतर हो गया। तो लोग जहां पे निवास करते हैं उन लोगों को रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, स्थलीय भाग की जरूरत होती है। तो लोग अधिक रहना किस क्षेत्र में पसंद करते हैं, अधिक जनसंख्या है वो कौन से क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या है वो ज्यादा पाई जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो 10% जनसंख्या ही आपकी कौन से भाग में पाई जाती है, विश्व की जनसंख्या, ना कि अपन एक देश की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की चर्चा कर रहे हैं, विश्व की जनसंख्या की चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में तथा शेष आपका दक्षिणी गोलार्ध में 10%। कारण क्या है, यहाँ पे स्थलीय भाग है। दूसरा कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक, ये जो कारक है वो किसको प्रभावित करते हैं, उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उच्चावच के अनुसार विश्व का 60% जनसंख्या 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों पर निवास करती है। अगर बात करते हैं उच्चावच की बात करते हैं तो 200 मीटर से जो कम भाग है, 200 मीटर की ऊंचाई से जो कम भाग है वहां पे आपके कितने प्रतिशत,
60% जनसंख्या है वो निवास करती है, यानी कि अधिकतर आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या की बसाव की अगर बात करते हैं, क्योंकि वितरण अपन को पढ़ना है, इसलिए सबसे पहले ये देखना है कि पूरे विश्व के अंदर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जनसंख्या का जो बसाव है वो इतना अलग अलग वितरण है वो इस रूप में क्यों देखने को मिलता है। पहला तो रीजन उत्तरी गोलार्ध का समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्थलीय भाग ज्यादा है और जलीय भाग यहाँ पे क्या है, कम है। तो लोग जो रहते हैं, जनसंख्या का जो बसाव है वो क्या है, आपका स्थलीय भागों के अंदर अधिक रहना पसंद करते हैं। दूसरा क्या है, भौतिक जो यहाँ पे कारक है वो भी क्या है, मानव के अनुकूल है, सामाजिक है, आर्थिक है, ये जो सुविधाएं हैं वो लोगों को उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्राप्त होती है, जिसके कारण 90% पूरे विश्व की 90% जनसंख्या है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। दूसरा क्या है, उच्चावच, यानी कि समुद्री भाग से ऊपर उठा हुआ भाग वो क्या है, उच्चावचों में सम्मिलित किया जाता है। तो 200 मीटर की जो ऊंचाई है, 200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर आपकी कितने प्रतिशत, 60% जनसंख्या है वो पाई जाती है, 200 मीटर से कम ही होनी चाहिए। और स्थानिक वितरण के अनुसार आपका क्या है, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या है वो निवास करती है। यानी कि देखो, ये आपका 0 है, ये 20 डिग्री अक्षांश, ये 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और ये आपका आ गया 90। ऐसे ही ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 और ये आ गया 90। तो अब अगर बात करते हैं अक्षांशों की, तो अक्षांशों की अगर बात करते हैं स्थानिक वितरण के आधार पे, स्थानिक वितरण के आधार पे क्या है, जनसंख्या है वो किस रूप में पाई जाती है, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ये वाला भाग उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में क्या है, कितने प्रतिशत, 50% जनसंख्या है वो निवास करती है। यानी कि ये जो एरिया है आपका, इस एरिया के अंदर पूरे विश्व की 50% जनसंख्या है उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या है, निवास करती है स्थानिक वितरण के आधार पे। इसके आगे अगर चर्चा करते हैं तो आपका क्या है, जिसका मुख्य भाग एशिया में आता है, यानी कि ये जो पार्ट है आपका एशिया वाला पार्ट है और एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो एशिया का, जबकि एशिया में और जबकि 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपकी 30% जनसंख्या है वो निवास करती है। और 40 से 60 यानी कि ये जो एरिया है यहां से वाला, यहाँ पे आपके कितने प्रतिशत, 30% जनसंख्या है वो निवास करती है, जो आपका क्या है, यूरोप, और ये आपका क्या है, एशिया, एशिया का, ठीक है। तो इस तरीके से जनसंख्या है वो पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण, मुख्य भाग है यूरोप के अंदर जो 30% जनसंख्या, उसका मुख्य केंद्रीय भाग है आपका यूरोप, और उसका केंद्रीय भाग 20 से 40 डिग्री अक्षांशों का आपका कौन सा भाग आ गया, एशिया का, एशिया, ठीक है। तो इस तरीके से जनसंख्या का बसाव है वो देखने को मिलता है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो 60 डिग्री अक्षांशों के उत्तर में जलवायु विषम होने के कारण विश्व की 1% जनसंख्या है वो निवास करती है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अनुकूल जनसंख्या आपकी उर्वरम मर्दा जनसंख्या सघन पाई जाती है, जिसमें चीन, भारत और इसके सघन जो क्षेत्र है, जैसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे नदियों का बसाव है एशिया के क्षेत्रों के अंदर, जिसमें चीन है, भारत है आपका, और दक्षिणी कोरिया है, उत्तरी कोरिया है, ये जो क्षेत्र आते हैं वो आपके किन भागों के अंदर,
जहाँ पे जनसंख्या का बसाव है अधिक देखने को मिलता है। और अनेक ऐसे मरुस्थलीय दशाएं भी पाई जाती हैं जहाँ पे जनसंख्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे सिंचाई सुविधाएं हैं वो होने के कारण वहाँ पे जनसंख्या है वो सघन पाई जाती है। और इसी में आपकी मिस्र का नील नदी क्षेत्र और रेगिस्तान का थार मरुस्थल, इंदिरा गांधी नहर प्रमुख होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या है वो क्या है अधिक देखने को मिलती है। तो 60 से ऊपर की ओर अगर जाते हैं उत्तर की भाग के अंदर तो यहाँ पे क्या है जनसंख्या 1% पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्यों जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो जलवायु है वो विषम पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है जिसके कारण जनसंख्या का बसाव है वो धीरे 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 यहाँ पे क्या है शून्य रह जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपका जनसंख्या का बसाव है वो विश्व के अंदर अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये ग्लोब के आधार पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भूमध्य रेखा से ग्लोब है उसको दो हिस्सों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपकी जनसंख्या है वो 90% देखने को मिलती है और 10% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपकी 50% जनसंख्या रहती है, 40 से 60 के मध्य आपकी जनसंख्या 30 रहती है, 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य एशिया के लगभग क्षेत्र आते हैं और 20 आपका 30 से जो 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपकी 30% जो जनसंख्या निवास करती है वो यूरोप का केंद्र आता है। और उसके बाद आपके 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर की ओर अगर जाते हैं उत्तरी क्षेत्रों में तो आपका जनसंख्या का बसाव है वो 1% और धीरे धीरे आपका जनसंख्या है वो कम होती चली जाती है। क्यों होती चली जाती है? विषम जलवायु या विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अभी जनसंख्या वितरण की। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व की 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या का कारण जनसंख्या का कारण स्थलीय भौतिक सामाजिक आर्थिक कारक माने जाते हैं विश्व में 20 डिग्री से 40 डिग्री
अक्षांशों के मध्य बीस से चालीस डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य 50% जनसंख्या पाई जाती है और 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में 30% जनसंख्या पाई जाती है। इसका केंद्रक यूरोप को माना जाता है। बीस से चालीस डिग्री उत्तरी अक्षांशों में एशिया महाद्वीप को केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से उत्तर की ओर जनसंख्या 1% व धीरे धीरे कम व न के बराबर होने लगती है। इस तरीके से क्या है, जनसंख्या का वितरण है वो विश्व में देखने को मिलता है। आगे चर्चा करते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। कम जनसंख्या होने का कारण क्योंकि यहां विषम जलवायु पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे बात करते हैं जनसंख्या के वितरण की। देखो, जनसंख्या के वितरण की आगे अगर बात करें तो आपका जो एशिया के अंदर जनसंख्या है वो अधिक पाए जाने का कारण क्या है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपकी जो जलवायु है, दूसरा यहाँ पे उर्वरक मृदा है, ये पाए जाने के कारण यहाँ पे एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, जनसंख्या सघन पाई जाती है। दूसरा, अगर चीन की बात करते हैं तो 65% जनसंख्या है वो क्या है, चीन की
वो क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्रों के आसपास क्या है, निवास करती है। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों के आसपास निवास करने के कारण वहां पे जो जलवायु है वो लोगों की क्या है, अनुकूल पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या है वो क्या है, सघन पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में। तो अगर आगे चर्चा करें अपन विश्व की जनसंख्या के वितरण की, तो इन्हें क्या है, विश्व की जनसंख्या के वितरण की दृष्टि के आधार पे इन्हें पूरे विश्व को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से, जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, दूसरा या प्रदेश, क्षेत्र या प्रदेश, दूसरा विरल जनसंख्या प्रदेश, और तीसरा सामान्य जनसंख्या प्रदेश। विश्व के वितरण को, विश्व के जनसंख्या वितरण को क्या है, 3 हिस्सों के अंदर रखा गया है। सघन जनसंख्या यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेशों को एक क्षेत्रों के अंदर, जैसे आपका भारत है, चीन है, आपका फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिणी कोरिया, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, सघन जनसंख्या मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, उनको क्या है, अलग प्रदेशों के अंदर रखा गया है। दूसरा क्या है, विरल जनसंख्या, विरल का मतलब होता है कम जनसंख्या, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे क्या है, कम जनसंख्या पाई जाती है, जैसे विरल जनसंख्या वाले या तो क्या है पहाड़ी क्षेत्र होंगे, या क्या है अत्यधिक जहाँ पे ठंड पड़ती हो, या बहुत ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र, या जहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा क्या है तापमान रहता है, या मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे क्या है कम जनसंख्या पाई जाती है, और एक है आपका सामान्य जनसंख्या, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे क्या है ना तो अधिक जनसंख्या है और ना ही कम जनसंख्या है, तो वो क्या है आपके मध्यम जनसंख्या वाले या सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस तरीके से जनसंख्या के वितरण को 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, सघन जनसंख्या, विरल जनसंख्या और सामान्य जनसंख्या। अब अपन क्या है विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सघन जनसंख्या के प्रदेश। सघन जनसंख्या के प्रदेश, सघन जनसंख्या के प्रदेश की अगर देखो चर्चा करें, विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां जनसंख्या सघन पाई जाती है। जहां सघन जनसंख्या अगर पाई जाती है तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या है अधिक है। इन प्रदेशों में पूर्वी एशिया, एशिया का जो चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी एशिया के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, नीदरलैंड और बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, इटली, आपका पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा, ये देश हैं, ये प्रमुख माने जाते हैं।
इन देशों के अंदर क्या है, सघन जनसंख्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जिनके लिए कहा गया है 100 व्यक्ति, जो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाए जाते हैं। और इनमें क्या है, एशियाई समूहों में विश्व की 58% जनसंख्या निवास करती है। एशियाई जनसमूह है, एशियाई समूह है, यानी कि आगे आपको मैं आपको 4 महाजन समूह है पढ़ाऊंगी, जिसमें एशिया महाद्वीप एशिया है, अमेरिका है, अफ्रीका है और यूरोप आगे है, वो महा जो महासमूह है उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे अब महाजन समूह को बड़े रूप में आप समझ सकते हो। तो इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एशियाई जनसमूह में विश्व की 58% जनसंख्या तो यहीं पे निवास करती है। एशियाई जनसमूह की अगर बात करते हैं तो ये जो देश अभी बताए हैं यहाँ पे विश्व की 58% जनसंख्या है यहाँ पे निवास करती है। चीन में हांगो मैदान और हांगकांग, सिंगापुर, आपका जावा, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक देखने को मिलता है। और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में विश्व की 16% तथा अमेरिका के पूर्वी भाग में 5% जनसंख्या वितरित मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1779 की औद्योगिक क्रांति के उपरांत जनसंख्या है वो तीव्रता से बढ़ी है। और यहाँ पे क्या है, यूरोपीय देशों के अधिकांश प्रवासी पूर्वी भागों में बस गए तथा मूल जो निवासी हैं रेड इंडियन पश्चिमी की ओर प्रवास कर गए, और अधिकांश रेड इंडियन प्रतिकूल सांस्कृतिक प्रवेश, मानसिक आघातों और युद्धों के कारण विलुप्त हो गए। तो यहाँ पे अगर सामान्य सघन जनसंख्या की बात करते हैं तो विश्व के 5 प्रदेश ऐसे माने जाते हैं जहाँ पे सघन जनसंख्या है वो पाई जाती है। तो विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं, विश्व के सघन जनसंख्या पाई जाती है। उसके साथ साथ अगर चर्चा करते हैं जहां सघन जनसंख्या पाई जाती है, यहां जनसंख्या घनत्व है, यहां जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किलोमीटर पाए जाते हैं। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। इन देशों में पूर्वी एशिया में चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, आपका ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी एशिया में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
पाकिस्तान, श्रीलंका आदि। इसी के साथ यूरोप में आपका जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, हॉलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, डेनमार्क, स्पेन, इटली आदि। आदि क्या है? सघन जनसंख्या के क्षेत्र माने जाते हैं। और उसी के साथ साथ क्या है आपकी यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आपका कनाडा, उत्तरी अमेरिका में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा, व संयुक्त राज्य अमेरिका आदि आते हैं। जहां पे क्या है आपकी जनसंख्या है वो सघन पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और यहाँ पे रीजन क्या है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या है, तटीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, नदियों का बहाव है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे नदियों का बहाव होने के साथ साथ यहाँ पे इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो जनसंख्या है, तीव्र जनसंख्या औद्योगिकरण के कारण यहाँ पे बढ़ी है। तो ये सारे कारण है जहाँ पे सघन जनसंख्या है वो पाई जाती है। दूसरी अगर बात करते हैं तो सामान्य जनसंख्या की, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। दूसरा है आपकी विरल जनसंख्या। विरल जनसंख्या के प्रदेश की अगर बात करते हैं तो विरल का मतलब है ऐसे प्रदेश विश्व के जहां पे 70% भूभाग है वो स्थित है, लेकिन वहां पे विश्व की 5% जनसंख्या है वो निवास करती है और जनसंख्या का घनत्व है 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, वो आपके क्या है, विरल जनसंख्या के कारण माने जाते हैं। तो ऐसे प्रदेश जहां 70% भूभाग स्थित है लेकिन जनसंख्या केवल 5% निवास करती है। जनसंख्या घनत्व यहां
10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किलोमीटर पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र क्या हैं? विरल जनसंख्या प्रदेश के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि विश्व की क्या है, यहाँ पे ऐसे प्रदेश जहाँ 70% भूभाग स्थित है लेकिन जनसंख्या विश्व की जनसंख्या केवल 5% निवास करती है। और यहाँ जनसंख्या का क्या है, घनत्व, जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, विरल जनसंख्या प्रदेश कहा जाता है। रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि पहली तो क्या है, उच्चावच और जलवायु की विषम परिस्थितियां होने के कारण यहाँ पे विरल जनसंख्या है वो पाई जाती है। एक तो क्या है, उच्च अक्षांश, दूसरा हिमाच्छादित मरुस्थलीय या उष्ण क्षेत्र, या आपके क्या है, विषुवत रेखीय या उष्ण आर्द्रता के कारण, ये जो कारण है आपके पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में विषम परिस्थितियां व जलवायु की भिन्नता के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। जैसे उच्च अक्षांशों के कारण हिमाच्छादित क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, उष्णाद्र उष्णता व आर्द्रता व उष्णता आर्द्रता और कौन से क्षेत्र आपके के कारण मच्छर व टिड्डियों का प्रकोप व मच्छर व टिड्डियों का व मधुमक्खी मधुमक्खियों का प्रकोप देखा जाता है। तो ये क्या है, आपके विरल क्षेत्र कहलाते हैं। विरल क्षेत्रों में ये आता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला है आपका सामान्य जनसंख्या प्रदेश। सामान्य जनसंख्या प्रदेश के अंदर क्या होती है, ना तो अधिक जनसंख्या, देखो दो तो आपके क्या हो गए, यहाँ पे तो जनसंख्या सघन का मतलब यहाँ पे तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और एक इसके विपरीत हो गया जहाँ पे जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। तो दोनों के अंदर यहाँ पे तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर, और यहाँ पे क्या है 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो दोनों में अंतर हो गया ना कि 90%, यानी कि बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक जनसंख्या, जैसे जावा है, इन क्षेत्रों के अंदर तो क्या है 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी निवास करते हैं, जैसे आपका जावा है, हांगकांग है,
पूर्वी तट है, सिंगापुर है, इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी निवास करते हैं। और विरल जनसंख्या वाला क्या हो गया आपका, जहाँ पे आवश्यकता से अधिक ऊंचे क्षेत्र हैं और उच्च अक्षांश वाले हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ जमी रहती है, और पर्वतीय क्षेत्र है आपका, हिमाच्छादित क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पे आर्द्रता पाई जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये क्या है आपके विरल क्षेत्र कहलाते हैं। अब बात करते हैं सामान्य जनसंख्या प्रदेश की। तो सामान्य जनसंख्या प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, व्यक्ति की क्या है अनुकूल जनसंख्या पाई जाती है, व्यक्ति के अनुकूल जनसंख्या, व्यक्ति के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिनके कारण व्यक्ति है वो क्या है अपना निवास है वो करता है। जैसे आपका एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल दशाओं के होते हुए भी क्या है यहाँ पे क्या है, तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चुकाई कामटा और कनाडा का यूरोपियन जो क्षेत्र है, यूरोपियन क्षेत्र कनाडा के अंदर, कनाडा में यूरेनियम और यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण या सोने की खान होने के कारण जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। तो ये सारे कारण हैं कि यहाँ पे क्या है सामान्य जनसंख्या है वो पाई जाती है। परिस्थितियां क्या होती हैं यहाँ पे, कभी अनुकूल होती है, कभी आपकी प्रतिकूल पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है अनेक अलग अलग क्या है आपके खनिज है, या जो आपके जैसे जो एंडीज पर्वत के पास में आपके तांबे के जो खान है, और कनाडा में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपके सोने की खान है वो पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या है वो पाई जाती है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं जनसंख्या के साथ साथ में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है जो समुद्र तल से, तो वहाँ पे लापोज का विश्व का क्या है ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा शहर है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या है वो निवास करती है। तो बात कर लेते हैं सामान्य जनसंख्या प्रदेश की। सामान्य जनसंख्या प्रदेश ऐसे प्रदेश भौगोलिक प्रदेशों में पारिस्थितिकी जनसंख्या के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करते हैं। ऐसे प्रदेश जनसंख्या के लिए सामान्य भौगोलिक दशाएं प्राप्त कराते हैं, जैसे एंडीज पर्वतों, एंडीज पर्वत के पास तांबे की खाने जिसके कारण जनसंख्या बसाव मिलता है। उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलीय क्षेत्रों में आने के कारण भी जनसंख्या बसाव सामान्य पाया जाता है, कारण सोने की खाने। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या है उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आपका कनाडा के
यूरेनियम कनाडा में, यूरेनियम की मात्रा पाई जाती है, जिससे क्या है यहाँ पे सामान्य जनसंख्या प्रदेश के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार आपके आर्थिक कारणों से स्विट्जरलैंड का गैलीविरा जहाँ पे लोहा अयस्क, कनाडा का यूकेन, घाना व अलास्का का क्षेत्र है जहाँ पे सोना निकाला जाता है, साइबेरिया के अंदर आपका सोना व तेल दोनों निकाले जाते हैं जिससे जनसंख्या है वहां पे बस गई है। दूसरा आपका साइबेरिया भी देख लेते हैं, साइबेरिया में सोना व तेल निकाला जाता है जिससे जनसंख्या का सामान्य बसाव हुआ है। तो इस तरीके से क्या है जनसंख्या के वितरण को तीन हिस्सों में बांटा गया है, सघन जनसंख्या, विरल जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।